आप जब भी कोई शब्द अपने मुंह से निकालें तो सोच समझ के, सोच के अच्छे से फिर ही वो शब्द मुंह से निकालें। सबसे पहली चीज़ जो आज मैं बात करने जा रही हूँ वो ये कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसका क्या असर दूसरे पे पड़ता है। देखिए, हमारा ह्यूमन ब्रेन कोई मशीन तो है नहीं। अब होता ये है कि जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने की स्पीड और आपकी सुनने की स्पीड दोनों में बहुत फर्क होता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा शब्द एक वक्त में बोल पाता है तो दूसरे इंसान का दिमाग उतने सारे शब्दों को एक साथ समझ नहीं पाता। इसीलिए दिमाग वही शब्द उठाता है जो उसको समझ में आते हैं। दूसरा, शब्द एक ऐसी चीज़ है जो मुंह से एक बार निकल जाए तो वापस मुंह में डाले नहीं जा सकते हैं। तो जब आप शब्द को निकालते हैं अपने मुँह से, कई बार बिना सोचे समझे ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि उस बात से या तो रिलेटेड है ही नहीं, और अगर हैं भी तो इतनी ज़्यादा चुभने वाली बातें हैं कि दूसरे इंसान के दिल को बहुत ही दुख पहुंचाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि शब्दों को हमेशा तोल मोल के और सही मात्रा में, सही स्पीड में, सही टोन में और सही तरीके से बोलें, तभी आपकी बात जो है दूसरा इंसान ढंग से समझ पाएगा। बोलने से पहले सोचना क्यों जरूरी है? पहली चीज तो ये देखिए, मन में सोचिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। क्या एक बच्चे से बात कर रहे हैं, या किसी मिडिल एज से बात कर रहे हैं, किसी बूढ़े से बात कर रहे हैं, और अपने शब्दों को उसी हिसाब से चुनिए। जो बात एक बड़ा समझ पाएगा वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, और जो बच्चा समझता है वो बड़ा नहीं समझ पाएगा। तो कई बार आपको अपनी बातों को उनके हिसाब से ढालना पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, जैसे आपके एग्ज़ाम का कोई फंक्शन है या स्कूल में कोई फंक्शन है, तो आप पहले ड्रेस रिहर्सल करते हैं। जब आप ड्रेस रिहर्सल करते हैं तो मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ गलती होने की गुंजाइश है। बिल्कुल उसी तरीके से अपने दिमागों में शब्दों की ड्रेस रिहर्सल कीजिए कि अगर मैं ये शब्द बोलूँगी तो क्या इसका वही मतलब निकलेगा जो दूसरे इंसान को मैं पहुँचाना चाहती हूँ? क्या इसका कोई दूसरा मतलब और तो नहीं निकलेगा? या जो कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ, क्या किसी की सेल्फ एस्टीम या किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुँचेगी? सोचने समझने के बाद, ड्रेस रिहर्सल करने के बाद, आप अगर समझें कि सही वक्त है, सही शब्द हैं और सही इंसान के साथ सही तरीके से बोले जा रहे हैं, तभी उन शब्दों को अपने मुंह से निकालिए। जब आप किसी से बात करें, एक और बात हमेशा ध्यान में रखें, कोई इंसान और आप एकदम से बराबर नहीं होते। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। इसीलिए अपने शब्दों से शो ऑफ मत कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ जो रिलेशनशिप को काटती है वो है जब आप छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक बहुत सुंदर कहावत है दोस्तों, डोंट मेक माउंटेंस आउट ऑफ अ मोल हिल, मेक मोल हिल आउट ऑफ द माउंटेंस। कहने का मतलब ये, छोटी सी बात को इतना बढ़ाना बढ़ा दीजिए कि दूसरे इंसान की नज़रों में लगे कि बहुत बड़ी बात हो चुकी है। बड़ी सी बात को छोटा बना के बताइए ताकि आपके शब्द दूसरे इंसान को ढंग से समझ में आए। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं जानती हूँ आप जब भी किसी से बात करेंगे, रिलेशनशिप्स को तोड़ने की जगह रिलेशनशिप्स को और मजबूत बना पाएंगे।